आज तक तो यहाँ हासिल किया है वो अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे उन्होंने पढ़ाई की, अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे समाज के अंदर, असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट हाउस के अंदर रिफ्यूजीज मिनिस्टर वहां रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यह बात नहीं उठाई। मैं बड़ी हमारी यह बदकिस्मती है कि समाज के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर रिफ्यूजीज लोग रहे हैं, लेकिन आज तक इसी आदमी ने रिफ्यूजीज के बारे में कोई बात नहीं चलाई। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के XMLC रविंदर शर्मा साहब का मैं यहाँ जरूर नाम लूंगा, क्योंकि जगह जगह उन्होंने यहाँ मीटिंग की है, लोगों को जागरूक किया है इसके बारे में। मैं उनके और उनके परिवार को यहाँ ये सहानुभूति देता हूँ कि ऐसे समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग होंगे तभी जो हमारा समाज को जागेगा। अभी भी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जमीनों, जिन जमीनों पर ये रह रहे हैं उसका मालिकाना हक नहीं मिला। तो ये भी एक अहम मांग है कि जिस जिस जगह पे उनको सरकारों ने जमीनें अलॉट की हैं उनका मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए। और आज भी जिनके एल-फॉर्म है, रिफ्यूजी हैं, कुछ केस ऐसे हैं जिनको अभी तक जमीनें अलॉट नहीं हुई। तो ये मेरी यहाँ पे जो आप सरकार सेंटर में है या LG प्रशासन है, हमारी उनसे मांग रहेगी कि वो इस जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है या जो इनके डॉक्यूमेंट है उनको रिव्यू किया जाए और उसमें देखा जाए जिनको जमीनें नहीं मिली हैं, जिनको उनके हाथ पर हकूक नहीं मिले हैं, उनको जमीनें अलॉट की जाए। ये अहम मांगे हैं जो रिफ्यूजी समाज की हैं। आप सबका इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। असि किसी हुकूमत किसी पार्टी अपनी वाबस्ती नहीं की, असि कोई काम ऐसा नहीं किया कि जरा समाज ये मैसेज आ सके कि लोग यार सालों अगे लगा के अपना मतलब हल कर सकते। असि सिर्फ इसलिए यत्न किया है कि अपने समाज की जो मुश्किलात है, जो रिहेबिलिटेशन असं सुनना चाहिए, जो सा हक बनता है वो आवाज़ जो है असं लेके देंगे सरकार से। वो सरकार भावें किसी पार्टी से नहीं हो, जी भी सरकार रही हो, हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, असं उन्होंने अपने मैसेज अच्छे अपलोड किया। कितने चीफ मिनिस्टर मिले, कितने गवर्नर मिले, कितने प्रधानमंत्री मिले, कितने पंछी जी ने कि जिनका मत पत्र रखा वो सारे कितने पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजी हुई, तिहार जेल हुई, उन्होंने बड़ा कुछ करने के बाद अज जो कुछ भी छुट फुट साढ़े को है वो उन्होंने लोगों ने जाए। मैं एक जिक्र होकर चलते चलते कि मास्टर जी ने कराया कि मास्टर से इंजाम होगा, मास्टर जी और पंछी जी की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो पंछी जी ने हमेशा मैं कई बार मेरी जुड़ती है गल हुई, वो कहते हैं पंछी जी बारिश हो पाओ तो मैं अंदर कोशिश करना ताकि साढ़े जमाई आप कोई गल बन जाए। मैं अपना दोनों बुजुर्गों की इन्नी अंडरस्टैंडिंग। तो अज मैं समझना कि जितने सारा समाज खड़ा है उन्होंने लोगों की बहुत बड़ी देन है, तो सारों उन्होंने लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए और उन्होंने भोलना नहीं चाहिए। मिले 2011 के अंदर
ਤੇ ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਰੂਮ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵ ਰੂਮ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ 4-5 ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਮਿਲੂ 5,000 ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਵੇਸ਼ੀ, ਬਾਗ, ਡੂਹਾ, ਚੋਖਾ, ਨਦੀ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਡੈਗਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾਣੀ ਚੋਣੀ ਜੋ ਮਹੀਨੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਅਗਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ 5,000 ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।